जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता। हमारे जीवन को अर्थ देने वाले राम, शिला शिला पे राम है। राम ही जाने राम की लीला। पाऊं तुमको मैं जब लो जन्म, मेरी सांसों की बेड़ी पर मर्यादा का पास कसा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शैलेश लोढ़ा की ओर से, शेमारू टीवी की ओर से, सेलो प्रेजेंट्स वाह भाई वाह की ओर से सारे देश को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संस्कृति, संस्कार, भाषा, धरती, देश, भारत, श्री राम। उद्धार, स्नेह, वात्सल्य, प्यार, श्री राम। संगीत, प्रगीत और मन के क्रोध पर जीत, श्री राम। अद्भुत पुत्र होना, संयम न खोना, दुनिया के दुखों को अपनी पीठ ढोना, श्री राम। बुरे विचारों से लड़ाई, बीमारी में दवाई और सारे जग की पढ़ाई, श्री राम। जिंदगी का सफर, दुनिया का हर अधर और कविता का अक्षर अक्षर, श्री राम। रामनवमी का अवसर और हिंदुस्तानी टेलीविजन पे अकेला चैनल और अकेला यह कार्यक्रम जो पूरे गर्व के साथ कह रहा है जय श्री राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम जगत का उजियारा, एक राम जो सबसे नारा, जय श्री राम। और आज ये रामनवमी का विशेष एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं देश के हर उस व्यक्ति को जिसके रोम रोम में राम है, घटघट में राम है, कण कण में राम है। अगर राम नहीं तो कुछ नहीं। आइए न केवल आज का एपिसोड, हमारी भावनाओं का संपूर्ण आवेग आज हम समर्पित करते हैं भगवान राम के नाम, इस राम नवमी के नाम, और इसके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। क्या है श्री राम? तब उदय प्रताप सिंह जी की चार पंक्तियां मुझे याद आती है जो मैंने 1985 में सुनी थी। एक मंच पे बाल कवि के तौर पर मैं, उदय प्रताप सिंह जी ने पंक्तियां सुनाई और छप गई यहां कि क्या है श्री राम। उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण से, जब रावण को सारे उसने प्रयास कर लिए लेकिन सीता माता के पास पहुंच भी नहीं पाया, तो मंदोदरी एक व्यंग करती है। उदय प्रताप सिंह जी क्या लिखते हैं कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण से, आप जैसी जो मैं प्रेम अगन में सुलगती। मंदोदरी जो रावण की पत्नी है कह रही है कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण से, आप जैसी जो प्रेम अगन में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला था सुशीष ये चाल भी चल देख चुका, ठगनी कुचाल मुझे मुझको ही ठगती, और जब जब स्वरूप में राम जैसा धरता हूं, हर पराई नार मुझे जननी सी लगती। ये है श्री राम। और राम की गाथा गाने के लिए हमारे पास आज अद्भुत कवि, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि लगभग सारे वो लोग हैं जो पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे आज यहां उपस्थित हैं। हमने राम नवमी का ये विशेष अंक, विशेष एपिसोड समर्पित किया है भगवान श्री राम को और उन कवियों को जो पहली बार इस मंच पे कविता पढ़ेगा। जय अंजाम एकमात्र कवि है जो वाह भाई वाह के मंच पे पहले आ चुके हैं, लेकिन ये वो लोग जो आज पहली बार कविता पढ़ेंगे कितने भाग्यशाली लोग हैं।
जब हिंदी कविता के सबसे बड़े मंच पे जब आज ये प्रसिद्धि की शिखर पे बैठने के लिए एक बड़ी छलांग लगा रहे हैं और इनके अमरों से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएंगे, किनका नाम लेके पहुंचेंगे? श्री राम का नाम लेके पहुंचेंगे। इससे बड़ी शुरुआत क्या हो सकती है। ये गौरव साक्षी जो हमारे बीच में आते हैं, इंदौर से मूलत रहने वाले राजगढ़ मध्य प्रदेश के। मीरा नवेली आती है देहरादून से जो मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। पंकज प्रसून आते हैं हमारे बीच में मांडवगढ़ मध्य प्रदेश से जो धार के पास एक बड़ा ऐतिहासिक नगर है। और हमारे बीच में अभिसार गीता शुक्ला जो दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं और बाराबंकी के रहने वाले हैं। तो आइए मैं प्रारंभ करना चाहता हूं और सबसे पहले बुलाता हूं उसे जो पहली बार बाप विवाह के मंच पर कविता पढ़ेगा, लेकिन जब राम का नाम लेगा तो सारा माहौल कहेगा जय जय श्री राम। अभिसार गीता शुक्ला आइए। वाह भाई वाह के मंच पे जिस नाद के साथ राम का नाम शुरू हुआ, उस नाद से आपको जोड़ता हूं। हाँ भी सर। राम की सेना राम सेतु बन जाने के बाद उस पर चल रही है और लंका की ओर प्रस्थान कर रही है, उसका क्या दृश्य बनता है, ये दृश्य आपके समक्ष रखता हूं। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगधार बेधते हैं पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है, तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है वो एक नाम राम है। फिर से पढ़ो यार ये पंक्तियां, फिर से पढ़ो। अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है वो एक नाम, नाम राम, राम है। वाह बेटा वाह वाह। वो एक नाम राम है, वो एक सत्य राम है, सुरों में राम राम है, उरों में राम राम है, ध्वजा ध्वजा पे राम है, शिला शिला पे राम है। वाह वाह। शिला शिला पे क्या बात है। एक परिस्थिति है, लक्ष्मण को बाण लग गया है, शक्ति बाण लग गया है मेघनाथ का, वो राम की गोद में लेटे हुए हैं, राम दुखी हैं, राम प्रलाप करते हैं, उस दृश्य को अंकित करता हूं और आप तक पहुंचे। राम कहते हैं कि क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों प्रलय नहीं दिखती नम में, क्यों धरा नहीं फट जाती है, क्यों राम अभी तक जीवित है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, गोद पड़े है अनुज कहो कैसे मानस दुख सहता है। गोद पड़े है अनुज कहो कैसे मानस दुख सहता है, तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम डलेगी क्या, सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या, तुम बिन वो महल चलेगी क्या, हनुमत क्या पाप किए मैंने, हनुमत क्या पाप किए मैंने, विपदाएं क्यों आ जाती हैं, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है। राम कहते हैं कि यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, यह समाचार मैं उर्मिल को अब क्या कहकर बतलाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, इस पाप बोझ के तले सुनो बिन लखन नहीं जी पाऊंगा, क्या मेरे प्यारे लक्ष्मण को अब कोई गले लगाएगा, यदि साथ नहीं जाऊंगा मैं वो भैया किसे बुलाएगा। और पंक्ति ये कि मेरी तनहीन विकलता का अब नाश नहीं हो सकता है, राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है। हाय ये बात राम के मुख से ही निकल सकती है। राम जन्म लेते रहते हैं पर लखन नहीं हो सकता है, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, हे मृत्यु तू क्यों मुझ पर ही, बन मेघ नहीं छा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। वाह। क्यों काल। राम क्रोधित भी होते हैं। राम कहते हैं कि एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का। वाह। एक पल को तो ये लगता है स्वयं बनूं मैं काल काल का, समझ हिले मेरे ही स्वर से विराट रूप हो महाकाल का, फिर अतृप्त करूं जीवा अपनी जब तक हर असुर मिटा ना दूं, लंका का पे पाताल डरे जब तक ये विरह घटा ना दूं, जब तक ये विरह घटा ना दूं, जब तक ये विरह घटा ना दूं, फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना,
फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, इस जीवन से डर लगता है मृत्यु से कैसा डरना, इस जीवन से डर लगता है, जीवन से डर लगता है, जीवन से डर लगता है, मृत्यु से कैसा डरना, इस जीवन से डर लगता है, अब मृत्यु से कैसा डरना, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, जिस स्वार्थ सिद्धि ने लखन हरा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती, क्या बात है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती। राम कहते हैं कि यह दिवस देखने को ही क्या, मैंने ये वनवास चुना था, पिता वचन को पूर्ण करूंगा, दोनों को विश्वास बड़ा था, परंतु काल का वज्र तो देखो क्या घाव लगाने वाला है, पहले तो सीता दूर हुई अब लखन भी जाने वाला है, मुझ पर घावों के आलय हैं, जो विष औषधि कर सकते हैं, यह मानव की सीमाएं हैं, वह मृत्यु नहीं हर सकते हैं, जीवन तप है परिचित हूं पर, जीवन तप है परिचित हूं पर, अब रात नहीं कट पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती, क्यों काल कहीं पर सोया, क्यों मौत नहीं। और इसका अंतिम बंग राम विभीषण से कहते हैं कि अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा, मैं तो ये शस्त्र धारूंगा, अब कैसे रावण मारूंगा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं तो ना सूर्य निहारूंगा, ये राज्य यूं ही बीत गई मैं तो ना सूर्य निहारूंगा, वचनबद्ध था मित्र मैं तुमसे, सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा, प्राण छोड़ दूंगा अपने पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा, तो रकुल रीत निभाता हूं तुमको मैं मर्म बताता हूं, तो रघुकुल रीत निभाता हूं तुमको मैं मर्म बताता हूं, जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूं, जब वचन टूटना ही है तो लो पहले मैं ही जाता हूं, युद्ध विचार बिन अनुज करूं इतनी शक्ति नहीं आ पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ, क्या बात है, वाह वाह विशाल, बहुत बढ़िया। कितने स्वरूप की बात करें राम की, एक भ्राता राम, एक पुत्र राम, जो एक क्षण भी पलक झपकाए बिना 14 वर्ष के लिए वनवास में चला जाता है, शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम, केवट को कुछ देने वाले राम, शिला को अहिल्या बनाने वाले राम, हमारे जीवन को अर्थ देने वाले राम, मर्यादा के पुरुषोत्तम राम, इस विश्व में सबसे उत्तम राम, और वो राम जिसकी गाथा अनंत है, अनादि है, कहा जाता है इस विश्व में जब एक तरफ सूर्य उगता है तो दूसरी तरफ कहीं डूबा होता है, दूसरी तरफ उगता है तो कहीं यहां डूबा होता है, लेकिन 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब संसार के किसी कोने में रामचरित मानस की चौपाई कहीं गाई नहीं जा रही, एक भी क्षण ऐसा नहीं, 24 घंटे के काल में एक भी क्षण ऐसा नहीं है संसार में 7 अरब लोगों में जब कहीं ना कहीं संसार में वो वाणी गूंजती ना हो, और शायद वो वाणी गूंज रही है इसलिए हम हैं। और आइए उसी वाणी के एक पुत्र को मैं बुलाना चाहता हूं, लगभग इतने सारे एपिसोड वाह भाई वाह के हो गए, पहले एपिसोड से मैं इस बात का साक्षी हूं कि वो आना चाहता था और उसे आना चाहिए था क्योंकि बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन इसे कहते हैं हुई वही जो राम रचि राखा, राम चाहते थे कि गौरव साक्षी तुम तब आओ जब तुम राम पर पढ़ो, आ रहे हैं गौरव साक्षी जोरदार तालियों के साथ। पहले तो मैं शमारू टीवी और शैलेश सर का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे भारत के सबसे बड़े कविता के मंच पर अपनी प्रस्तुति करने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर, और वो भी इस विशेष कार्यक्रम में। मित्रों मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ। देखो तुम मेरा आभार प्रकट कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा आभार तो है तुम्हारे काम का, आभार तो है तुम्हारे काम का, गौरव में ही अर्थ है नाम का, गौरव में ही अर्थ है नाम का, और साक्षी हूं इस बात का, मैं सच कहता हूं, साक्षी हूं इस बात का, मैं सच कहता हूं, मैं कौन करने वाला जो है वो श्री राम का, बोलिए जय जय श्री राम। आइए इस मंच पे सर ने राम को स्थापित करने का काम किया है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे
संगीत बांस में आए। जैसे संगीत बांस में आए, आहा हा, तो बांसुरी बन जाता है भाई, क्या बात। सूर्य जैसे प्रभास में आए, राम जाने के राम जी कैसे, राम जाने के राम जी कैसे, आज शबरी निवास में आए। हाय हाय, केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में, यू तो है चार धाम भारत में, यूं तो है चार धाम भारत में, पांचवा धाम है अयोध्या में। आइए मित्रों, मैं राम की स्तुति कैसे करता हूँ, उनकी वंदना में गीत मैंने लिखा है, मैं आपके सामने सुनाऊं। राम होना सहज तो नहीं है मगर, राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना और क्या है राम, राज महलों से विनती नहीं की कभी, राज महलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। राज महलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। संग के वट के सरिता हुए पार तो, संग के वट के सरिता हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे भिखाते चले, बेर शबरी के जूठे भिखाते चले। धर धरा पर हो, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मल के रज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज, और राम क्यों राम हुए, यदि आप भी अपने जीवन में ये काम करेंगे तो आप भी राम के सिद्धांतों पे चल सकते हैं। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा पथ चुना ही नहीं। एक वचन एक वचन एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। और क्यों राम राम है, राज वैभव हो, राज वैभव हो, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। क्या बात है। और इस गीत का आखिरी बंद मैं रखता हूँ, हमें सीखना है कि हम कहाँ छोटी सी भूल कर जाते हैं। मैं गीत का बंद रखता हूँ। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की, स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जान की,
जान की के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं है परम सत्य होता नहीं अपहरण है परम सत्य होता नहीं अपहरण जो सियालांग रेखा को जाती नहीं जो सियालांग रेखा को जाती नहीं। लेकिन वो समय ऐसा था जब एक 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 राजा की तीन तीन पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन राम क्या थे, जो सियालांग रेखा को जाती नहीं सैन्य संग पार सागर सिया के लिए सैन्य संग पार सागर सिया के लिए धैर्य धज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर क्या बात है गौरव, वाह बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। राम होना सहज तो नहीं है मगर वो सहज गया वही राम है। तभी कहा जाता है घट घट में राम है रोम रोम में राम है। क्या बढ़िया बात कह के गए गौरव, पगडंडियां परिश्रम की चुनी, अन्य कोई पथ चुना ही नहीं, और पिता का जो वचन एक बार सुन लिया और कोई कथन फिर सुना ही नहीं, वो है श्री राम। और इस देश का युवा, इस देश का बालक, इस देश की नई कलम जब ऐसी बात करे तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। तुम बड़े भाग्यशाली लोग हो इसलिए नहीं कि इस मंच पे हो, इसलिए कि आज इस विशेष अवसर पर इस मंच पर हो और इस अवसर को विशेष बनाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। राम तो जीवन के हर हमारे हर अभिवादन में राम है। राम राम सा, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारा पहला अभिवादन राम राम सा है। जब बात करते हैं हाय राम, हे राम, ओ राम, सच में राम, हमारे हर शब्द में, हर भाव में, हर संबोधन में राम है। इसीलिए तो घट घट में राम है। और यहां भी आज कण कण क्षण क्षण में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये वातावरण पवित्र हो उठा है। ये जो मंच है वो अद्भुत, आज एक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, शायद इसलिए कि इतने सारे स्वर एक साथ राम का नाम गुंजायमान कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम कि आज हम एक एपिसोड लेके आए हैं श्री राम नवमी विशेष पर। चैत्र माह की ये नवमी, भगवान राम का जन्म और इतना अद्भुत अवसर, और उस अवसर पर अगर कलमकार कवि अपनी बात ना कहे तो फिर किस अवसर पर कहे। इससे बढ़िया, इससे बेहतर, इससे पावन और इससे पवित्र क्षण हो नहीं सकता। तो आइए इसी क्षण को और ज्यादा रोमांचकारी बनाने के लिए मैं बुला रहा हूं अजय अंजाम जो औरैया से हमारे बीच में आते हैं। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, तैयार रहना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। कोई भी दुख, कोई भी सुख, कोई पीड़ा या चिंता हो, हमारे तन मन के हर एक कण से जय श्री राम बोलेगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है, राम रावण युद्ध का अंतिम दिन है, सारे ब्रह्मांड, सारे छत्रप, सारे देवता दुखी हो चुके हैं कि अब ये लीला समेटो, ये जो आदताई रावण है इसका वध करो। बस उनकी प्रार्थना, राम का पुरुषार्थ, राम का पराक्रम निवेदित करता हूं, सुनिएगा। सुबह का सूर्य निकल रहा है, आरुणी की बेला है, राम के खेमे में क्या घटनाक्रम होता है, यहीं से कविता शुरू है। बजरंग बली ने प्रात काल घनघोर शंख का नाद किया, रण विजय हेतु योद्धाओं ने सबसे सम्यक संवाद किया, दिनकर कुल के आभूषण ने संकल्प बहुत भीषण ठाना, ऐसा लगता था अब तय है दशकंधर का मारा जाना, लंगूर हरा हर करते थे बम 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 बोल उठे, लंगूर हरा हर करते थे
को सुन सुन कर ये धरती अंबर डोल उठे। इस ओर बानरों की दहाड़ दृश्य देखिएगा, इस ओर बानरों की दहाड़, उस ओर राक्षसों का गर्जन सुनकर सागर की लहरों में उठ रहा भयावह अनुकंपन, लंकापति की पदचापों से धरती में पड़ती थी दरार, नक्षत्र कह उठे रघुनंदन अब तो करिए अंतिम प्रहार, ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रकंपित हुआ और डगमग डगमग दिग्गज डोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय बोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय बोले। नभ के गामी सब देव आज कर जोड़े खड़े हुए थे, संकट काटो प्रभु कष्ट हरो अब इस पर हारे हुए थे, रघुवीर हंसे हंसकर बोले अब निर्भय होकर जाओ, रण क्रीड़ा का अंतिम दिन है अब बिल्कुल मत घबराओ, ऐसा कहकर सारंग उठा कर में वरदानी तीर गए, जय 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 श्री राम आज रामा दल का हर वीर कहे, अब जिधर देखिए उधर दिखे श्री राम प्रभु, हर दृष्टि उधर थी जिधर दिखे श्री राम प्रभु, सौमित्र देखते दिनकर में श्री राम प्रभु, हनुमान देखते अंबर में श्री राम प्रभु, ननील देखते पत्थर में श्री राम प्रभु, सुग्रीव देखते वानर में श्री राम प्रभु, अंबर में राम, दिनकर में राम, पत्थर में राम, वानर में राम, हर कर में राम, हर घर में राम, श्री राम प्रबल शमशीरों में, चीरों में राम, नीरों में राम, श्री राम विकट रणधीरों में, श्री राम राम इत राम राम, रथ राम राम, पथ राम राम, सीता के पति श्री राम राम, दशरथ के सुत श्री राम राम, 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 श्री राम, श्री राम दिखाई पड़ते थे, तालियां आप देना, श्री राम दिखाई पड़ते थे सब वीरों के भुजदंडों में, श्री राम दिखाई पड़ते थे कपिदल के भगवा झंडों में, श्री राम दिखाई पड़ते थे कपिदल के भगवा झंडों में, ऐसा प्रतीत होता जैसे, ऐसा फिर साथ देना, ऐसा प्रतीत होता जैसे श्री राम दसों दिस में डोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु राम चंद्र की जय बोले। युद्ध का दूसरा दृश्य, रावण भी अपनी सेना के साथ आ गया, राम ने क्या गति की, क्या पराक्रम दिखाया, आ गया उधर से रावण दल जैसे टिड्डी दल आता है, छा गया राम की सेना पर जैसे बादल छा जाता है, बंदर अंदर से निकल पड़े, लंगूर शूर सब टूट पड़े, जैसे शेरों के दल शंगालों पर हो छूट पड़े, हनुमान हनाहन अंते थे, अंगद की गदा चमकती थी, सौमित्र सनासन तीर करे जैसे दामिनी दमकती थी, लेकर पहाड़ हनुमान चले जैसे नभ में दिनमान चले, नील निशक्षर जामवान विपक्ष स्थल को तान चले, विकटास विकट बट को खार ददिमुख थे धूल उड़ेल रहे, रावण की दस खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेले, रावण की दस खोपड़ियों, रावण की दस खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेल रहे, लंकापति ने माया बल से नभ था तीरों से पाट दिया, पर रामचंद्र ने देर न की प्रत्येक सिली मुख काट दिया, तब बंधु विभीषण दौड़ पड़े रावण पर कठिन प्रहार किया, बदले में था दशकंधर ने उन पर प्रघोर तंबार किया, आ गया क्रोध रघुनंदन को रण में था हाहाकार उठा, भागो भागो संभलो संभलो हर योद्धा यही पुकार उठा, दस शीश भुजाएं बीस एक क्षण में ही काट गिराई थी, पर शंभु शक्ति से सबकी सब पहले जैसी उग आई थी, तब बंधु विभीषण दौड़ पड़े रावण पर घोर प्रहार किया, बदले में था दशकंधर ने उन पर प्रघोर तंबार किया, आ गया क्रोध रघुनंदन को रण में था हाहाकार उठा, भागो भागो संभलो संभलो हर योद्धा यही पुकार उठा, मानो रणचंडी नाच उठी जिभ्या पसार अलके खोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की जय बोले। कविता का अंतिम पंद निवेदित करता हूं, राम का पराक्रम और रावण का अंतिम काल सुनिएगा। रदपुट रघुवर के फरक उठे, रदपुट मतलब अधर, रदपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहित थे, 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे, सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया, भरपूर क्रोध में कान तलक सारंग सरासन तान लिया, आक्रांत जानकी की इस
स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जग जननी की परछाई भी सर के फल पर आरूढ़ हुई। रावण का एकमात्र सपना था कि मैं किसी दिन राम और सीता को एक साथ देखूं। हरण करने गया तो राम नहीं दिखे, अपनी अशोक वाटिका में रखा तो राम नहीं दिखे, युद्ध करने आया तो कभी सीता साथ नहीं दिखी। आज पहला दिन है कि राम के आक्रोश के साथ जगत जननी की परछाई भी सर पर हो गई। राम सीता का एक साथ दर्शन किया, अब कुछ बचा ही नहीं। वाह वाह, आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जग जननी की परछाई भी सर के फल पर आरूढ़ हुई। सर के फल पर आरूढ़ हुई, कट 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 मरकट बोल उठे, भट झटक रहे भुजदंडों को, झटपट रजनी से सटक गए, कंदरा गिरा बन खंडों को। यह छवि देखी तो रावण ने जग से सब बंधन तोड़ लिए, राघव का रौद्र रूप देखा तो बीसों करतल जोड़ लिए। हे राम रमापति पाहि माम, सर छोड़ो मेरे मारण का, इसके अतिरिक्त नहीं था पथ इस रक्ष वंश के तारण का। चल पड़े 31 काल सर्प मानो रावण को डसने को, 31 रस्सियां लेकर ज्यो यमराज चले हो कसने को, 31 रस्सियां लेकर ज्यो यमराज चले हो कसने को। कट गई भुजाएं 20, शीश 10, अमृत भी निर्मूल हुआ, धरती पुत्री का कोप लगा, धरती विजयी भी धूल हुआ। वाह वाह वाह, जो नहीं मानते रघुवर को, जो नहीं मानते रघुवर को, उन सब की दुर्मति होती है। प्रभु के विरुद्ध जो चलते हैं उन सब की दुर्गति होती है। जो सीता पति के सेवक हैं उनका ही विश्व समूचा है, जो राम ध्वजा के नीचे हैं उनका ही झंडा ऊंचा, उनका ही झंडा ऊंचा है। ऐसे प्रभु की जयकार हेतु साथ देना कविता की अंतिम पंक्ति, ऐसे प्रभु की जयकार हेतु अब तो आओ बाजू खोले, जो राम भक्त हो वही याद, प्रभु राम चंद्र की जय बोले। खुश हो, क्या बात हो, प्रभु रामचंद्र की जय। अद्भुत क्षण है, सिर्फ इतना सा कहूंगा, वो जो निष्पाप है निष्काम है, वो जो निष्पाप है निष्काम है, हम सब करते उसे प्रणाम है। हजार लोगों को कविता सुनाऊंगा, सोचता अजय अंजाम है। वो जो निष्पाप है निष्काम है, हम सब करते उसे प्रणाम है। हजार लोगों को कविता सुनाऊंगा, सोचता अजय अंजाम है, सारी दुनिया को सुना दिया, वही जय श्री राम है, वही श्री राम है, वही श्री राम है, वही श्री राम है। राम का स्वरूप, उसे अगर शब्दों में बांधा जाए तो क्या कहा जाए? वो संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है? वो संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है? अरे कौन शब्दों में बांध सकेगा राम को, कि राम तो सिर्फ राम है। और उसी राम के गुण गाने, उसी राम पर अपनी बात कहने आ रहे हैं मांडवगढ़ मध्य प्रदेश के, हमारे बीच में है पंकज प्रसून, जोरदार तालियों के साथ। आज आदरणीय शैले सर ने एक सपना पूरा किया है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे नगर में विराजता हूँ सर, जहाँ दुनिया के एकमात्र चतुर्भुज राम विराजते हैं। तो मैं अपने चतुर्भुज राम की तरफ से शेमारो टीवी और आदरणीय शैले सर का बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ सर। न रज जानी न जल जाना, न जान सकाइए अंबर नीला, ना मैं जानू ना तुम जानो, ना महल अटारी कोई कबीला, और जानकार भी जान सके ना, जान के कोई करेगा क्या, जानना है तो इतना जानो कि राम ही जाने राम की लीला। हाय हाय हाय, राम ही जाने राम की लीला। गीत पढ़ता हूँ रामचरितमानस के, अलग अलग प्रसंगों को मैंने कविताबद्ध किया है। मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन,
मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। रघुकुल का सूरज जो बन के थाया, और अंतिम समय तक सभी को निभाया। विषम काल में भी जो बिल्कुल ही सम था, रहा आम बन के जो ईश्वर स्वयं था। पयोधि दया का मगर मीठा जल था, वो घट घट का वासी था, बिल्कुल सरल था। है आंसुओं से करते स्तवन, मेरे राम तुमको नमन। बहुत बढ़िया। मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। कि भगवान जब वनवास को चले जाते हैं तो राजा दशरथ जी प्राण छोड़ने से पहले भगवान को याद करके क्या कहते हैं, सुनिएगा। मैंने लिखने का प्रयास किया। मेरे सिर मुकुट हो, मेरी शान हो तुम, रवि कुल के श्रोणित की पहचान हो तुम। मेरी वाणी अधरों की मुस्कान हो तुम, तड़पते हुए को अभयदान हो तुम। यदि मैं धनुष हूँ, मेरे बाण हो तुम। आए, आए। यदि मैं धनुष हूँ, मेरे बाण हो तुम। मैं खाली बदन हूँ, मेरे प्राण हो तुम। पड़ा मुझको नारी वचन था निभाना, मगर तुम किसी की न बातों में आना। लौट आओ नहीं जावन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। एक बंद रखता हूँ सर। हाँ पंकज। कि आज तक ये भ्रांति है कि भगवान ने माता सीता का, गर्भवती सीता माता का परित्याग कर दिया या माता सीता की अग्नि परीक्षा कराई। पूरी सृष्टि में एकमात्र माता सीता ऐसी हुई जिसने भगवान का पक्ष रखा है। क्या पक्ष रखा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ पंकज। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। अरे क्या पंक्ति है। अरे वाह पंकज, वाह 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 वाह। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। अथाह प्रेम संबल से आकृत किया है, मुझे राम तुमने परिष्कृत किया है। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी, बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी। यदि ना गई जीते जी मृत रहूंगी। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, उन्हें क्या बताऊं कि भगवान हो तुम। पाऊं तुमको मैं जब लूं जन्म, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। हाय 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 पंकज, क्या बात है। वाह वाह पंकज, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह अद्भुत, क्या बात है पंकज यार। क्या बढ़िया पढ़ रहे हैं सारे लोग।
मैं खुद भावुक हो गया था तुम्हें सुनते वक्त। सचमुच अगर राम की कृपा है तो सब कुछ है। तब मुझे उदय प्रताप सिंह जी की फिर चार पंक्तियां याद आती है, अद्भुत कहते हैं वो। राम जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो नल और नील नाम के दो वानर, जो पत्थरों पे श्री राम लिखते और पत्थर तैर उठते, तब उदय प्रताप सिंह जी क्या लिखते हैं कि नल नील पहाड़ों पे राम नाम लिखकर सेतु बांध देते और भूले न समाते थे। नल नील पहाड़ों पे राम नाम लिखकर सेतु बांध देते और फूले न समाते थे। भारी भारी शिला खंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नाव बन जाते थे। भारी भारी शिला खंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नाव बन जाते थे। देखा देखी राम ने भी कंकरी उठाई, फेंकी, डूब गई। आप दृश्य देखें कि वो पत्थर तैर रहे, राम ने कंकरी उठाई, डूब गई। तो उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं, इसको अलग परिप्रेक्ष्य में फिर से कहता हूं कि नल नील पहाड़ों पर राम नाम लिखकर सेतु बांधते हैं और फूले न समाते हैं। भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नाव बन जाते हैं। देखा देखी राम ने भी कंकरी उठाई, फेंकी, डूब गई। राम सकुचाते हैं, तभी राम भक्त हनुमान बोले, प्रभु जो राम के करों से छूटे वो डूब जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज वाह भाई वाह में श्री रामनवमी विशेष है, वातावरण अद्भुत है, और इस अद्भुत वातावरण में एक अद्भुत कविता पढ़ने के लिए पहली बार आ रही है। देहरादून से हमारे बीच में मूलते मंडी हिमाचल की रहने वाली है मीरा नवेली, जोरदार तालियों के साथ। आज जो रचना पढ़ने जा रही हूँ आप सबके समक्ष, उसका भाग्य देखिए। गए साल रामनवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र पर अयोध्या धाम में इस कविता का वाचन मैंने उपहार स्वरूप श्री राम जी को किया। आप इसे नैवेद्य रूप में स्वीकारिए। मैंने उनके महल का कण कण बनते देख रही हूँ, आप आनंद में मग्न होइए। सुना मीरा। तुलसी हर्ष छिपे नहीं, मन झरे आनंद अपार। हे राम तुम्हें अंततः मिला, तेरा आंगन तेरा द्वार। हे राम तुम्हें अंततः मिला, तेरा आंगन तेरा द्वार, तेरा आंगन तेरा द्वार। मीरा वध में आ गई बावरी बिन उपहार, हो माधव की शुभ कामना, हो माधव की शुभ कामना, हो राघव को स्वीकार। अरे क्या बात है, मीरा वध में आ गई, मीरा वध में आ गई बावरी बिन उपहार, तू माधव की शुभ कामना, हो राघव को स्वीकार। प्रसंग रखती हूँ, राम वन गमन के लिए तैयार हो रहे हैं, सीता माँ जिद पर अड़ी है कि मुझे साथ जाना है। राम कह रहे हैं, प्रिय ये वैराग्य ये सन्यास मेरा है। सिया ने कहा, नहीं मुझे ब्याह के लाए हैं, ये सन्यास भी मेरा है। राम जिद पे अड़े हैं कि मैं साथ चलूंगा, और साथ तुम चलोगी तो वैराग कहाँ रहेगा, मुझे क्या राग में ही रखोगी। ये जो रचना अयोध्या के मंच से पढ़ी गई, और आज मैं इस रचना को पुनः रामनवमी के अवसर पर कवियों की अयोध्या से पढ़ रही हूँ, और निमित बने हैं शैलेश सर। कोई ना कोई निमित बनता है, हनुमान बने थे, अब शैलेश जी बने हैं। वन जाने की जिद नाहक है, वन जाने की जिद नाहक है, जिद नाहक है, मन में भी बसा है। हा 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 हा।
मोह के आगे जंगल तेरा समर्पण मोह के आगे तेरा समर्पण हाय कहाँ बैराग फंसा है हाय कहाँ बैराग फंसा है हाय कहाँ बैराग हिरन सुनहला रात चंदेरी हिरन सुनहला रात चंदेरी कितने भी डाले सम्मोहन मन भटके है मरीचिका में भ्रम के रस्से बुने मरुस्थल रेखाओं के इंद्रजाल में रेखाओं के इंद्रजाल में अंतिम हंसी तो भाग हंसा है रेखाओं के इंद्रजाल अंतिम हंसी तो भाग हंसा है मोह के आगे तेरा समर्पण हाय कहाँ बैराग फंसा है हाय कहाँ बैराग सूखो मल पग कंटक पथ है चलने का अभ्यास नहीं है सूखो मल पग कंटक पथ है चलने का अभ्यास नहीं है तन मन का संन्यास सिया तेरे केशों का विन्यास नहीं है मेरी श्वासों की वेणी पर मेरी श्वासों की वेणी पर मर्यादा का पाश कसा है हाय 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 वाह 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 मेरी श्वासों की वेणी पर मर्यादा का पाश कसा है मेरी श्वासों की वेणी पर बंधन जाल मर्यादा का पाश कसा है मोह के आगे तेरा समर्पण हाय कहाँ बैराग फंसा है हाय कहाँ बैराग क्या बात है मीरा वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे मीरा मुझे खुशी है भगवान श्री राम ने एक क्षण मेरे जीवन में दिया कि हम रामनवमी विशेष पे कुछ कह सकें कुछ सुन सकें और दुनिया को सुनवा सकें सचमुच होता वही है जो वो चाहते हैं 7 अरब लोग हैं दुनिया में आप देखें राम की कृपा देखें 7 अरब लोग हैं दुनिया में कुछ साधारण हैं कुछ असाधारण हैं कुछ विशेष हैं दुनिया में करोड़ों शैलेश हैं लेकिन 7 अरब की दुनिया में किसी एक आत्मा को जीवात्मा को सबसे पहले मनुष्य योनि में पैदा करना फिर भारत भू पे पैदा करना फिर उनके घर पैदा करना जो राम के भक्त हैं फिर बचपन से रामचरितमानस की चौपाई सुनवाना फिर यूं मां शारदा की कृपा होना कि हाथ में कलम दे देना और ठोकर खाते कदमों के साथ उस कलम से अक्षरों का गढ़ना अक्षरों से शब्द का बढ़ना शब्द से वाक्य का विन्यास होना विन्यास से कविता का प्रयास होना और कविता का उच्छ्वास होना और उस कविता के उच्छ्वास से जब लोग सुने और निकल के आना गांवों से निकल के आना और टेलीविजन कैमरों के सामने ये कहना वाह भाई वाह ये सिर्फ राम कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता और ये राम ने कर दिखाया
कि राम नवमी का एपिसोड हम कर रहे हैं। इस राम नवमी विशेष पे जाते आते क्या कहूं, क्या कह सकता हूं। दुनिया में लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि वो अकेले हैं, सोचते हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं। अब क्या कहूं, यही कह सकता हूं, भूल जाइए उदासी, हम क्या चीज है, दुख किसका नाम है। भूल जाइए उदासी, गम क्या चीज है, दुख किसका नाम है, किस बात की परेशानी की होते नहीं काम है। अरे क्यों सोचते हो कि तुम बैठे हो अकेले, दुनिया में कोई अकेला नहीं, सबके साथ श्री राम है। वाह भाई वाह।